पिछले करीब दो दशक से औद्योगिक पिछड़ेपन का शिकार रहे उज्जैन के औद्योगिक विकास की शुरुआत हो गई है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव इसके अगुवा बने हैं, जिन्होंने करीब सवा साल की अपनी कोशिशों से उज्जैन के औद्योगिक विकास का खाका खींचा है। रविवार से उज्जैन के औद्योगिक विकास के खाके ने आकार लेना शुरू कर दिया है। रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेडीमेड गारमेंट की इकाई का भूमि पूजन कर उज्जैन के औद्योगिक विकास की नींव रखी। सोयाबीन प्लांट की जमीन पर बन रही इस अत्याधुनिक होजरी वस्त्र निर्माण की इकाई को त्रिपुर की बेस्ट लाइफ स्टाइल कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा शुरू किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में कंपनी द्वारा 60 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। यहां पर 1000 गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर मशीनों का प्लांट लगाया जा रहा है। इस प्लांट के लगने से 4000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। रविवार को आयोजित किए गए रेडीमेड गारमेंट बनाने वाली वेस्ट कंपनी उज्जैन इकाई के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेजा, वित्त मंत्रालय के साथ उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री का दायित्व निभा रहे जगदीश देवड़ा, विधायक पारस जैन, बहादुर सिंह चौहान सहित उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला, एकेवीएन के एमडी रोहन सक्सेना शामिल हुए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक यह उज्जैन के औद्योगिक विकास के लिए नए युग की शुरुआत है। इसके साथ ही अन्य औद्योगिक इकाइयां भी उज्जैन में जल्द शुरू होंगी। इतिहास में आजादी के बाद एक नया युग का शुरुआत है और ये वाकई हम सबका सौभाग्य है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि 4000 के कोई फैक्ट्रियां वो तमिलनाडु से चल करके उज्जैन में आ जाए, ये तो वाकई आश्चर्य। तमिलनाडु से चल करके आपने और इतना अच्छा इंडस्ट्री का आपने ये कल्पना की है कि पर्यावरण को कोई बाल बराबर नुकसान नहीं, यहाँ के आसपास की बहनें अगर आ जाए तो बिल्कुल शहर के अंदर ये 4000 बहनों को जो सौगात मिली है और उससे बढ़कर के भी ये फैक्ट्री मालिकों ने जो बात कही है कि फैक्ट्री बनने में भले ही 4 महीने लगे 6 महीने लगे, आप तो महिलाओं की सूची दीजिए, वो 250-250 की बेच आपकी हम ट्रेनिंग कल से चालू करा देंगे ताकि उनको रोजगार मिलना चालू हो जाए। फैक्ट्री बनने के बाद 1 दिन भी नहीं लगेगा, फैक्ट्री तुरंत चालू हो जाएगी। ये जो कोई सोचता है उसकी मन की संवेदनाओं का एहसास हमको होता है। जितने अच्छे ढंग से आप काम करते हैं परमात्मा की दया से, ये कई कर्मों के पुण्य कर्म से आपने तो नाम भी वही पाया जो बाबा महाकाल का नाम है। कल हम जब शाम को उद्योगों के साथ, उद्योगपतियों के साथ बैठक कर रहे थे तो लगभग 20-22 बड़े बड़े उद्योगपति और उन सब के साथ सबका एक ही आग्रह था कि हमको जो जमीनों का अभाव रहता था वो जमीनें भी पर्याप्त मिल रही है और शासन ने जिस ढंग से हमको आगे रह करके ये पूरा विभाग आपके कहने पे जो आगे आगे काम कर रहा है, माननीय मंत्री जी, माननीय पीएस भाई साहब, वाकई ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन के विकास की बात कही। उन्होंने कहा यह शुरुआत भर है, आने वाले दिनों में उज्जैन में और औद्योगिक इकाइयां शुरू की जाएगी। एमडी वेस्ट जो इस प्रोजेक्ट को लगा रहे हैं भाई राजकुमार जी, आप तमिलनाडु से आए हैं और 1 दिन की कोशिश में नहीं आए। 4 साल पहले मैं त्रिपुर गया था, लगातार हम कोशिश कर रहे थे कि त्रिपुर से जो टेक्सटाइल विशेषकर रेडी का मेड गारमेंट्स के मामले में हब है हिंदुस्तान का, वहां से अगर हम किसी को लाने में यहां सफल हो पाए तो रोजगार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और मैं राजकुमार जी का स्वागत करता हूं, हम पर विश्वास करके वो महाकाल महाराज की नगरी में पधारे, आप भी ताली बजा के स्वागत कीजिए। राजकुमार जी, यहाँ किसी प्रॉब्लम को आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, सब आपको सहयोग करेंगे।
उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दतिगांव ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। वीवीएस सेंगर, सिटी चैनल, उज्जैन।